नमस्कार। सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे यानी कि बीजेपी शासित राज्य और जहाँ भी है वहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। कहीं ना कहीं वहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा एवं बहुत तरह की चीजें कहीं ना कहीं बेहतर चल रही है, लेकिन उसी राज्य में और उसी राज्य का एक जिला सिंधी है जहाँ पे इस तरह की अमानवीय घटना घटित हो जाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक चेहरे को और वहाँ की सरकार को उजागर करती है। जानते हैं ये जिस प्रकार से उस वीडियो को तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, हर कोई इसको रिट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, हर कोई कर रहा है। हमने कहीं ना कहीं शिवराज चौहान जो कि मुख्यमंत्री है उनका भी ट्वीट पढ़ा। उन्होंने कहा है कि इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और इस पे एनएसए लगाने की काम किया जाए, यानी कि एनएसए लगाने का काम उस युवक जो कि आदिवासी बताया जा रहा है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पेशाब कर रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम किया जाए। वीडियो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से वो जिसका नाम ये जो यानी कि पेशाब कर रहा है इसका नाम प्रवेश शुक्ला इसका नाम बताया जा रहा है और जो कहीं ना कहीं जिसके ऊपर ये पेशाब कर रहा है वो एक दलित आदिवासी बताया जा रहा है। सोचिए, भारत देश है, भारत देश में हर किसी को जीने का रहने का अधिकार है, संविधान ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से वो सिगरेट भी पी रहा है। दूसरी तरफ देख सकते हैं मुंह में सिगरेट है और सिगरेट भी पी रहा है और दूसरी तरफ कहने को युवक के ऊपर वो पेशाब भी कर रहा है। तो ये एक घटना घटित होना और इस तरह से बीजेपी शासित राज्य में महीने दो महीने किसी अन्य राज्य कभी किसी में घटनाएं सामने आती रहती है और जिस प्रकार से ये घटना आई है, जिस प्रकार से ये घटना देखी जा रही है और जिस प्रकार से घटित हुई है, हर कोई इस पे सोचने को विवश हो चुका है कि आज के दौर में 21वीं सदी में भी ये चीज पॉसिबल है, 21वीं सदी में भी ये हो सकता है। सोचिए, और इसको लेकर के खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया हुआ है कि ये कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह से उस पे कार्रवाई जो है होनी चाहिए। अब जितने हिंदू धर्म और जितने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र का ठेका लिए हुए ठेकेदार लोग हैं उनसे सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि क्या यही हिंदू राष्ट्र है, क्या शिवराज सिंह चौहान इसी को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, क्या बीजेपी इसी को हिंदू राष्ट्र मानती है, क्या बीजेपी इसी को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखना चाहती है। ये सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर किसी से, हर व्यक्ति से, हर जो बीजेपी के नेता है उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस तरह की घटना घटित होना वाकई में सही है, क्या इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक दलित आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करना, दलित हो आदिवासी हो एनीथिंग कोई भी हो मैटर हो नहीं है, मैटर है किसी भी के भी ऊपर पेशाब करना उसके शरीर पे ये उचित नहीं है। वो कोई भी हो, दलित हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सवर्ण हो, कोई भी एनीथिंग, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी के भी ऊपर पेशाब करना किसी भी सूरत में सही नहीं है और जिस तरह से ये हुआ है वो बिल्कुल गलत है और ये शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो जो ऐसे अपराधियों पे लगाम लगाने का काम करे जो कहीं ना कहीं इस तरह से खुलेआम इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से ऐसे अपराधियों पे लगाम लगाने का काम किया जाना चाहिए।